इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दूत बना करके भेजा गया क्योंकि रावण माँ को उनकी प्रतिबिंब को ले गया है। सब लोग गए। दस्युत्पति यामन जी के सानिध्य में निकले दक्षिण की ओर। परमात्मा ने प्रेम मुद्रिका दी, सिर पर हाथ फेरा, शरीर वज्रवत बना दिया प्रभु ने। अब चले ढूंढते, माँ स्वयं प्रभा मिली, फल खाए, जलपान किए, विदा किए, संपाति मिले, पता बताए, मैं देखाऊँ तुम नाही। गिरे दृष्टि पार बोल भजउनत करते हूँ कचुक सहाय, तुम्हार जो ना गई सत जो जन सागर करे सुराम काज मती। जाइए देखो, जाओ। युवान को वृद्धावस्था ललकार देती है, समार देती है, शिक्षण देती है, उत्प्रेरक बनकर के प्रेरणा कर देती है। जाओ बढ़ो। इसलिए सभा में, घर में, समाज में वृद्ध लोगों का सम्मान होना चाहिए। वृद्ध लोग निश्चय होने चाहिए जो मंत्र दे सके। जामंत बाबा ने सबसे कहा, सब अपना अपना बल भाख रहे थे। अंगद जी ने कहा तो बोले युवराज को नहीं भेजा जाता। अब हनुमान जी को जगाए जामंत बाबा। कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, काज बसादि रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग मा, जो नहीं होई ताते तुम पार। राम काज लगि तब अवतारा, सुनते हैं भयव पर्वता। श्री हनुमान जी महाराज शिवनाद करी बारही बारा, नागम जल निधि धारा, सहित सहाय राम नहीं माई, ज्ञान मुनि हाथ को प्रभु खाए, राम मंत्र मैं पूछो तो ही, राम मंत्र मैं उचित सिखावन जी जो मोही, इतना कोट त्रिकोट उखाड़ लाओ, रावण को समाज समेत उठाकर समुद्र में झोंक दो। क्या किया है? गीतावली जी में तो हनुमान जी महाराज कहते हैं रावण को समाज समेत जिस प्रकार वैद्य लोग बूटी खरल में रगड़ देते हैं, मसल देते हैं, वैसे रावण को समाज समेत खरल में रगड़ दूंगा, फिर समुद्र में गिरा दूंगा। इतना करने की क्षमता श्री हनुमान जी महाराज में है। क्यों? एकादश रुद्र के समन्वित स्वरूप है श्री हनुमान जी महाराज। जामन बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं करो, नीचे आइए, इतना करिए, क्या सीते ही देख कहो सुधी, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि, छंद का दर्शन कर कपि सेन संग सनारी, राम से पानी है लो पर पावन सुजस सुर, ओ
फलश्रुति दर्शन करिए। क्या कहते हैं बाबा? कपिसेन संग संहार निश्चर राम जी सीते ही आनी है। जिसका जो काम है वही करेगा। परिणाम त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि, तीनों लोक नारद देवर्षि नारद आदि इसका गुणगान करेंगे। और जो गुण समूह बनेगा, जो सुनत सुनते हुए आप लोग सुन रहे हैं, गावत गाते हुए हम गा रहे हैं ना, ये लोग गा रहे हैं। देखिए आपको अधिक फल है, जो सुनत गावत, अरे गावत बजावत होता है ना, और हम कहत कहत। अब आप में से जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान कौन है? अतो माता लोग। माताओं से बुद्धिमान कोई नहीं, पुरुष तो माताओं से बुद्धिमान होते ही नहीं है। कैसे? इसलिए नहीं कि इनकी अधिक संख्या, इसलिए कह रहा हूं। पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हों, पति की जैसे सैलरी मिलती है पत्नी तुरंत रखवा लेती है, अपनी जीवन भर नहीं बताती है। क्यों? वो कहती है तुम्हारे वाले से घर चलाती हूं, अपना वाला बचाती हूं। काम तो घरे के आएगा। माताएं वस्तुतः समझदार न हो, न घर में होली हो, न दिवाली हो, न कोई उत्सव, माताएं ही समझदारी करती हैं साहब। देखिए मोदी की बात नहीं है, कल की घटना आपको अपने घर की बताऊं। बहू जी बोली कि कोई गुजिया बनाने वाला आ जाता, थोड़ा हम भी बना लेते, थोड़ा सहयोग करता। हमने कहा बाजार से बोल देते, पंडित जी कहां से आ जाए, गुजिया पेटी आ जाएगी। बड़ी अच्छी बात बोली। बोली महाराज जी ये होली उत्सव है, यदि बाजार से खरीद के आएगा तो घर के होली का उत्सव का पता कैसे चलेगा? देखिए मैं चुप हो गया साहब। मैंने कहा मैं क्षमा मांगता हूँ साहब। मैं सोचा कहली बाउंडर में पढ़ो, बाजार से आ जाएगा। नहीं, माताएं यदि न रहें तो घर में उत्सव भी नहीं मनेगा साहब, बाजार से खरीद के लाएंगे। और यदि माताएं नहीं रहती है, कल कोई हमारे शिष्य आए थे तो हमने कहा बिटिया कहाँ है, बोली वो तो गाँव पे है। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या करते हो, बोले बनाते खाते हैं, इंजीनियर हैं वो। तो मैंने कहा भोपट राम बिन घरनी घर भूत के डेरा, कोई वहाँ है आप यहाँ हैं, ये कौन सी साढ़े साथी चढ़ी है? साथ रहिए, साथ बहिए, साथ गाइए, साथ सुनिए। यदि अपने भोजन बनाना पड़ेगा तो पुरुष सुबह बना के शाम को ही वही खाता है। आप में से बहुत कम ईमानदार होंगे जो सुबह शाम बनाते होंगे, थक जाते हैं, फुर्सत भी नहीं रहती है साहब। क्या कहे, समय बदल गया है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावे, ये सुंदर कांड की फलश्रुति है। सुनने वाला, गाने वाला, कहने वाला और समझने वाला, सबको परम पद की प्राप्ति होती है। ये सुंदर कांड का देखिए क्यों कि किष्किंधा के 28वें दोहे से ही ये प्रारंभ है सुंदरकांड। किष्किंधा की ये कितनी अच्छी बात, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, इसलिए रघुबीर पद पातोज मधुकर दास तुलसी गावई सकल सुमंगल दायक भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जन रघुनाथ तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहुं। आगे तो सुंदर कांड आप जानते ही हैं, पाठ करते ही रहते हैं। भगवान के शांत स्वरूप का वर्णन है, भक्ति की कामना है गोस्वामी जी की, और अष्टमूर्ति हनुमान जी का स्मरण करते हैं। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैला भदे हम धनुजभन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम रघुपति वरदूतम वात जातम नमः। अतुलित बल धामम अभी दिखाई पड़ा,
अभी दिखाई पड़ा ना हनुमान जी महाराज का, सिंहनाद करी बारह ही बारह अतुलित बल कैसा। ये देखिए हनुमान जी महाराज प्रणाम करके सबको यह कहकर सीताराम, बस 10-12 मिनट और कथा करे करे मन नहीं भरता है, पेटे नहीं भरता है, कितनों को सुनाए रहो और कितनों सुनाए रहेंगे तो कम रहेगा। आप दर्शन करिए, हनुमान जी महाराज प्रणाम करके चले, लेकिन कह के चले, तब लग मुही परखे हो तुम भाई, कब लग जब लग आऊ सीते ही, लेकिन खाते पीते सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी महाराज चले चले, जिहगिर चरण देई हनुमंता, चले वो सुगा पाताल तक हनुमान जी जा रहे हैं। इसकी हलचल हुई, समुद्र देव ने मैनाक से कहा इनको विश्राम दीजिए, क्यों इनके पिताजी ने आपकी रक्षा की है। हनुमान ते ही परसा कर बुने की इन्हें प्रणाम, राम काज की इन्हें बिनु मोहि कहां। प्रेम प्रेम राम काम है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।